और अब रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। एकात्म परिसर में ये बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसैंडी, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, संगठन महामंत्री सौदान सिंह बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले और सदस्यता अभियान के साथ ही संगठन चुनाव और नगरीय निकाय प्रदेश की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है, कितनी खास? देखिए बुसरा, भाजपा कार्य प्रदेश कार्य समिति की काफी अहम बैठक आज होने जा रही है। लगभग सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसैंडी, संगठन महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं कार्य समिति के और जो सदस्य हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। और लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद यह पहली बैठक है छत्तीसगढ़ में भाजपा की। जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर आज इसमें चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहेगा वो सदस्यता अभियान होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाए। सभी जो कार्यकर्ता है, सभी जो नेता है, जो बड़े अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम ऐसे नेता अपने अपने इलाकों में सदस्यता अभियान पर जोर दें और इसी को लेकर आज चर्चा यहां पर की जाएगी। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव और दो विधानसभा का उपचुनाव होना है, अंतागढ़ और एक चित्रकूट, जो दीपक बैज सांसद हैं उनका सीट खाली हुआ है, दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा संगठन का चुनाव, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा आगामी 4 से 5 महीनों का रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आगे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि चुनौतियां अभी काफी ज्यादा है। नगरीय निकाय का चुनाव है और नगरीय निकाय का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ में। पिछले समय ये देखा गया था कि बराबरी पर कांग्रेस और भाजपा नगरीय निकाय में थी, लेकिन इस बार सत्ता में कांग्रेस है, तो इस लिहाज से और ज्यादा मेहनत भाजपा को करनी पड़ेगी। इसको लेकर अलग से चर्चा होगी और कार्य समिति के बाद ये हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो तमाम वरिष्ठ नेता है, सौदान सिंह, रमन सिंह और अनिल जैन जो प्रभारी हैं, तमाम जो नेता हैं वो एकांत में भी कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि हेमंत आप बता रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर यानी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। पिछले चुनाव की अगर बात कर ली जाए विधानसभा की, तो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी देखने को नहीं मिला है, जितनी उम्मीद कांग्रेस ने की थी। लिहाजा नगरीय निकाय को लेकर क्या मुद्दे भी डिस्कस किए जाते हैं कि कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए बुसरा, नगरीय निकाय में सबसे ज्यादा जो प्रभावी मुद्दा रहता है वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। किसानों का मुद्दा हो, राशन कार्ड का जो मुद्दा है वो यहाँ पर काम करता है। जिस प्रकार से कर्जा माफी यहाँ पर सरकार ने की है वो ऐसे मुद्दे रहते हैं। और सरकार ने भी पहले ही कह दिया है, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि जो तमाम मुद्दे, जो तमाम चीजें कांग्रेस ने की है, किसानों के लिए हो, गरीबी जो रेखा काट का मामला हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी, क्योंकि प्रमुखता से स्थानीय मुद्दे नगरीय निकाय में उड़ते हैं और सीधा पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे ही काम करते हैं। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, विधानसभा में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, बंपर जीत उनको मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको एक बड़ा हार का सामना करना पड़ा। 11 में से 9 सीटें उनको गंवानी पड़ी थी। सिर्फ मोदी का चेहरा एक था इसलिए नुकसान कांग्रेस को हुआ। और इसके अलावा
अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लोकसभा में काम नहीं किए, जो राष्ट्र सुरक्षा है वो छत्तीसगढ़ में काम कर गया, तो इस लिहाज से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन नगरी निकाय की बात करें तो स्थानीय मुद्दे ही काफी प्रभावी होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, तो स्थानीय मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है 6 महीनों के कार्यकाल में, वो मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जनता के बीच। और जिस तरीके से अभी प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, और ये कोशिश है और कांग्रेस की ये भी कोशिश ये कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उसी गांव के लोगों से जुड़े। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे।